सो भाई लोग कैसे हो। आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। तो भाई राधे श्याम का फीवर सर चढ़ के बोल रहा है भाई। राधे श्याम का जो फीवर है ना अब स्टार्ट हो चुका है। राधे श्याम के जो फैंस है ना एकदम क्रेजी हो चुके हैं। वो फैंस हो जो इनके ना मतलब मेरे को मैसेज करके बोल रहे हैं कि भाई ये पुष्पा दलेश ने जो 2021 में जो रिकॉर्ड खड़ा किया कि भाई 3 ही दिन में 100 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर लिया, तो भाई इसका रिकॉर्ड तो प्रभास एक ही दिन में तोड़ देगा। बिकॉज उस बंदे की मतलब मूवी पहले दिन 100 करोड़ का बिजनेस करती है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में देता हूँ। सबसे पहले तो यार आप लोग ये समझो कि अल्लू अर्जुन पहली बार पैन इंडिया में आया था। वो बंदा मतलब पहली बार यार उसकी मूवी कोई जो पैन इंडिया में रिलीज हो रही थी। एंड यार मतलब दूसरी तरफ प्रभास को देखो तो वो यार मतलब इंडिया का नंबर वन पैन इंडिया सुपरस्टार है। उसकी एक फैन फॉलोइंग अलग है पूरे इंडिया में। एंड अल्लू अर्जुन की भी फैन फॉलोइंग है और वो पहली बार यार पहली मूवी थी उस बंदे की, तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एंड बात करें प्रभास के 100 करोड़ के बिजनेस की, तो यार आई थिंक वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है ना, वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अगर पुष्पा की बात करें तो उसने भी फर्स्ट डे अगर वर्ल्ड वाइड एड करते तो 70 करोड़ प्लस तो कर ही दिया था, 75 के आसपास। एंड प्रभास वहां पर पैन इंडिया का नंबर वन सुपरस्टार है, डेफिनेटली वो वन पहले दिन में वो 100 करोड़ की कमाई करेगा ही करेगा। बट ये इस बार मुश्किल हो सकता है क्योंकि देखो यार मोस्ट ऑफ थिएटर है ना मतलब इंडिया के मतलब कहीं के भी थिएटर देखो मोस्ट ऑफ यार मतलब 50% लोग बैठ के देख सकते हैं। मतलब वो हाउसफुल तो हो ही नहीं रहा है, मतलब 50% सीटों वैसे ही खाली पड़ी है जस्ट कोरोना के रीजन से। तो यार मतलब अगर थिएटर हाउसफुल होंगे ही नहीं तो हो सकता है इस बार वो रिकॉर्ड ना बने मतलब पहले दिन में 100 करोड़ वाला। एनीवेज देखना पड़ेगा यार। देखो पहली बात तो देखो ये अगर आप कंपैरिजन कर भी रहे तो यार फैंस तो यार मतलब उन लोग की फीलिंग्स अलग ही होती है। एंड अपने जो सुपरस्टार मतलब हमारे सुपरस्टार की जो मूवी है ना ज्यादा कलेक्शन करे तो यार उनको मजा आता है, उनको कंपेयर करने में भी मजा आता है। एंड एनीवेज यार देखो यार प्रभास एक अलग लेवल का मतलब सुपरस्टार है पैन इंडिया में। अल्लू अर्जुन का भी स्टार्ट है, जस्ट फर्स्ट मूवी आई थी। एनीवेज यार देखो यार हम तो यही चाहते हैं कि भाई मतलब कोई भी मूवी रिलीज हो ना अच्छे से अच्छा कलेक्शन करे, वो पुष्पा हो या फिर RRR हो या फिर KGF Chapter 2 हो, राधे श्याम या फिर प्रभास की आने वाली जो मूवीज है वो हो। यार देखो राधे श्याम मतलब डेफिनेटली अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई जिस तरह की ये मूवी लग रही है ना मतलब एकदम मजा आने वाला है, बट फिर भी इसकी अगर मतलब स्टोरी एंड कंटेंट अच्छा निकल गया ना तो मतलब ये मूवी डेफिनेटली मतलब ये गारंटी है 2022 की सबसे बड़ी मूवी बन सकती है। उसमें अब RRR भी एक है, उसमें अब KGF Chapter 2 भी है। मैं तो आप एक बात तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 2022 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली कोई मूवी बनेगी तो सिर्फ तीन मूवी में से एक होगी। नंबर वन RRR, KGF Chapter 2 या फिर राधे श्याम, ये तीन में से कोई एक मूवी सबसे ज्यादा कलेक्शन कर सकती है। अब आप बताओ तीनों में से कौन सी होगी। मेरे को तो KGF Chapter 2 लग रहा है क्रेज के हिसाब से, बट फिर भी यार आप लोग ऑडियंस हो आप लोग डिसाइड करो कि कौन सबसे ज्यादा कलेक्शन करेगी 2022 में, तो प्लीज कमेंट कर देना। हाँ, इसमें पुष्पा द राइज चैप्टर 2 भी जुड़ सकता है अगर टाइम से शूटिंग कंप्लीट हो सकती है तो। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे सपोर्ट करते रहो जैसे कर रहे हो। बाय बाय।